में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद यासीन। जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 पूरे हिंदुस्तान को चपेट में ले चुका है। अभी हम चीदा कैम जो मुंबई का 88 का क्षेत्र आता है, वहां पर जो MIM के कॉरपोरेटर है शाहनवाज शेख, उनके ऑफिस में मौजूद है। आइए हम उनसे जानते हैं, जब से कोविड-19 की शुरुआत हुई है, जब से लॉकडाउन पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगा है, खास महाराष्ट्र के अंदर, तो हम जानते हैं इनकी क्या क्या खिदमत अंजाम रही है, इन्होंने क्या क्या खिदमत अंजाम दी है। आइए शाहनवाज शेख। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। जब से 144 लागू हुआ है, जब से लॉकडाउन लागू हुआ है 21 मार्च से, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िम्मेदारी बढ़ गई है और काम आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बखूबी से अंजाम दे रहे हैं। जिस तरह जो है हमारी माँ बहनों के लिए मार्केट की सहूलियत का मसला हो, चाहे वो हर रोडों पे जितने भी जो हमारे रोड है वार्ड नंबर 145 में या वार्ड नंबर 143 में जितने भी रोड आ रहे हैं, उसको सैनिटाइज़ कराने का मसला हो, या गली गटर में जो है फॉगिंग कराने का मसला हो, या दवाई डालने का मसला हो, और जितनी हमारे एरिया को साफ़ सफाई रखने की जो ज़रूरी चीज़ें हैं, हम उस पर जो है पूरी ध्यान दे रहे हैं, ताकि हमारे इधर जो है, और हम लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि वो अपने घर में रहिए और सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, ज़्यादा क्राउड ना पैदा कीजिए, क्योंकि उनकी हिफाज़त और उनकी फैमिली की हिफाज़त और हमारे लोगों की हिफाज़त है। तो जिस तरह हम जितना हिफाज़त करेंगे, जितना सोशल डिस्टेंस बनाए रखेंगे, जितना हम लोगों से दूर रहेंगे, तो उतना हम ये बीमारी से बच सकते हैं, और जितना हमारे गली को, हमारे घर को और जितना हमारे मोहल्ले को हम साफ रखेंगे, उतना हम ये बीमारी से जो है दूर रह सकते हैं। और जब भी और ऐसे भी कुछ मसले आए, तो जब भी हम ग्राउंड लेवल पे उतर के कंटिन्यू डे बाय डे हम काम कर रहे हैं, और जिसमें आप लोग खुद पूरी तरह देख रहे हैं कि हम हमारी कोई भी कसर, कोई भी मेहनत हम खाली नहीं छोड़ रहे। शाहनवाज साहब, कुछ दिन पहले जो है हम डी सेक्टर की अल्फला मस्जिद की जो गली आती है, वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात किए थे, उनसे मालूम किए थे कि क्या हाल चल रहा है। जब से कोविड-19 पूरे हिंदुस्तान को जो चपेट में लिया है, तब से लोगों के अंदर जो है डर का माहौल है। असल में वो डर का माहौल जो है भूख की वजह से है, कि लोग किस तरीके से जो है काम पर नहीं जाने की वजह से उनका घर कैसे चलेगा, उनका चूल्हा कैसे चलेगा। हम कुछ लोगों से जाने थे, तो कई लोगों की ऐसी उम्मीदें हैं कि वो जो है शाहनवाज शेख जो 145 के नगर सेवक है, वो उनकी हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या स्टेप्स लिए इस ताल्लुक से। जी, लोगों का ये बड़प्पन है, लोगों का प्यार, लोगों की मोहब्बत और लोगों की इज्जत है, जो लोगों ने जो है मुझे इतना प्यार करते और इतनी दुआ से मुझे नवाजा है कि वो मेरे से उम्मीद लगाए हुए, और उनकी उम्मीद भी लगाना जायज़ है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी उम्मीद पर खड़ा भी उतर रहा हूँ। इंशाल्लाह मेरे से जो हो रहा है हम वो कर रहे हैं, यहाँ तक कि जो BMC का जो रेडीमेड फूड है हम वो लेके आ रहे हैं, वो लेके आने के बाद जितने भी जो लोग भूखे रह रहे वहाँ तक हम वो खाना पहुँचाने की जो है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मुंबई महानगरपालिका BMC से जो है हमने सर्वे भी किया है, सर्वे करके BMC से हम कंटिन्यू टच में है, कंटिन्यू लगातार हम मांग कर रहे हैं कि हमारा चीता कैम का जो इलाका है वो गरीब इलाका है, गरीब तबके का इलाका है, लोग जो है बेरोज़गार लोग हैं, तो उसके लिए कहीं ना कहीं राशन की जो है ज़रूरत है हमें, और हमने राशन की जो है मांग कर रहे हैं, और राशन कंटिन्यू हम मांग कर रहे हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हमें उम्मीद भी है कि राशन आ जाएगा। और इसी के साथ साथ जो हमारे जो है महाराष्ट्र के जो CM है और हमारे MP राहुल शिवाले साहब और नवाब मलिक साहब, यहाँ तक कि हमने उनको भी लेटर दिया है, कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कानून बनाती है, तो वो कानून के मुताबिक जो है हमने उनको लेटर दिया है, ताकि जब से लॉकडाउन हुआ है तब से जो है हमारा चीता कैम के इलाके में जो है एक बेरोज़गारी जो हो चुकी है, जिसकी वजह से जो है लोगों को जो है लोगों की दिन पे दिन जो हालात जो है वो ख़राब होते जा रही है, और आने वाला वक्त भी जो है हमारा रमज़ान मुबारक का महीना है, तो सूरत में कहीं ना कहीं आप हमारी हेल्प करो बोलकर और राशन हमारा को ला के दीजिए, या तो ऊपर तक हमारी सरकार तक आवाज़ पहुँचाइए बोल के हमने बाकायदा लेटर भी उनको दिया है हमने। और कहीं ना कहीं हम ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना हो सके उतनी पब्लिक को जो है एक अच्छी सर्विस दे चुके दे भी रहे, और हमारी चीता कैम्प की अवाम से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चीता कैम्प के जितने भी जो बड़े बड़े अच्छे जो सोशल वर्कर जो लोग हैं, और जो समाज के जो अच्छे लोग हैं, जो अलग अलग जगह पे जो है खाना बनाकर जो है आप लोगों के लिए जो तैयार कर रहे, आप लोगों को जो दे रहे, और कहीं कहीं संस्थाओं से जो है डोर टू डोर जाकर जो है
राशन पहुंचाने का काम कर रहे, आप उनको हिम्मत और हौसला देने का काम कीजिए। अगर कहीं ना कहीं हम उनको हौसला और हिम्मत नहीं देंगे तो उनकी हौसला और हिम्मत जो है टूट जाएगा और ऐसे में हमारे चीता गेम का नाम जो है ख़राब हो रहा है। तो मैं उन तमाम भाइयों को जो सोशल वर्क जो कर रहे, जो अलग अलग जगह पे जो खाना बना के जो लोगों तक दे रहे और मेरे साथ में जितने भी जो लोग जुड़े हुए इस काम को अंजाम दे रहे और वो संस्था वाले लोग जो अलग अलग लोगों को जो है डोर टू डोर जो है राशन पहुँचाए, मैं उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोग को तरक्की दे, कामयाबी दे और आप लोग को तंदुरुस्ती और सेहतमंद दे। इस तरह हमको और आपको और अच्छे लोगों को हमारे चीता कैंप की जो है खिदमत करने का मौका दे और अल्लाह इसके लिए हमको सबसे आगे रखे। एक और एक सवाल, आखिरी सवाल करना चाहूँगा। अभी आपको भी पता है कि रमज़ान करीब है, तो हमेशा हम देखते हैं कि चीता कैंप जब भी रमज़ान आता है तो चीता कैंप जो है पूरा क्राउडेड भर जाता है, पूरी मार्केट भर जाती है, लोग कहीं ना कहीं रास्ते पे ठेले लगाकर और दूसरी छोटे छोटे जो है ठेले लगाकर अपना काम करते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर अभी रमज़ान आ रहा है जहाँ COVID-19 बढ़ता चला रहा है, तो उसके हालात के मुताबिक मार्केट के लिए क्या आप कुछ स्टेप लेने वाले हो, ऐसा कुछ है? देखिए, मार्केट के लिए स्टेप तो ऑलरेडी हो चुका है। इससे पहले का जो GR आया था वो सिर्फ मार्केट का 2 दिन का था, तो हमने स्पेशली चीता कैंप के लिए एम मिश्र के असिस्टेंट कमिश्नर से हमने बैठ के जो है 4 दिन का लिया था और सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक का टाइमिंग था वो। और शर्त ये थी कि हमारा करबला मैदान और SSC जो ग्राउंड है वहाँ पे हम लोगों को जो है शिफ्ट करने के लिए, मगर कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लोग जो है शिफ्ट होने के लिए राज़ी नहीं है। तो जिसका भुगतान जो है हमारी मार्केट के लोग और हमारे चीता कैंप के लोगों को भरना ना पड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कंटिन्यू साल के 12 महीने जो अवाम जो लोग आपके पास आके जो खरीदारी कर रहे, तो आपको उनकी भी सेफ्टी देखना ज़रूरी है और अपने आपकी भी सेफ्टी देखना ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं चीता कैंप इलाका छोड़कर हर जगह पर जो है बड़े बड़े ग्राउंड में जो है धंधे वाले लोग जो है मार्केट जो है शिफ्ट हो चुकी है, खाली चीता कैंप में शिफ्ट नहीं हो रही है। हर लोगों का अलग अलग इशू है कि उनको इतनी धूप लगेगी, ये लगेगी, वो लगेगी। अरे मेरे भाई, हमको साल के 12 महीने धंधा वहाँ पे नहीं करना है। अल्लाह ने ये वक्त ऐसा लेके आया है, ये वक्त को हमको एडजस्ट करना है, ये वक्त को हमको एडजस्ट करके सब लोगों को एक साथ में लेकर जो है इसके साथ में हमको लड़ना है, हिम्मत अभी खड़ना है। अभी जो आप इतनी कोशिश कर रहे हैं सारी चीज़ें, तो क्या आपको क्या लगता है कोशिश कामयाब हो जाएंगी? देखिए, अभी भी हमने कोशिश किया है, DMC भरत मराठे साहब से बात हुई है, असिस्टेंट कमिश्नर से बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट का जो टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से जो है शाम को 5 बजे तक दिया गया है और हफ्ते में 4 दिन है आपको पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ग्राउंड में शिफ्ट करने का और करबला ग्राउंड में शिफ्ट करने का और यहाँ पे शिफ्ट करने का ऑर्डर है। हम अभी कुछ आज सीनियर से कल बात करने के लिए कोशिश किए थे हम, पर सीनियर साहब नहीं थे, बिजी थे, तो इंशाल्लाह हम वापस आज या कल में सीनियर साहब से मिलने के लिए जाएंगे और जाके कुछ डिसीजन लेंगे। और डिसीजन लेना ज़रूरी है, अगर हम डिसीजन नहीं लेंगे, मार्केट शिफ्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि मार्केट बंद हो सकती है। मगर ये मार्केट के जो लोग हैं, धंधा करने वाले लोग हैं, ये उनको समझने के ऊपर है। अभी थैंक यू शाहनवाज सेठ जी ये सारी बातें करने के लिए हमारे सामने, और मैं इनका बहुत बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ लिमरा टाइम्स की जानिब से भी कि इन्होंने हमें मौका दिया ये सारी बातें जो मार्केट के ताल्लुक से रखी। साथ ही साथ इन्होंने बातें बताई कि किस तरीके से जो लोग इनसे उम्मीदें लगाए रखे हैं, तो ये उम्मीदें ज़रूर कामयाब होगी एक दिन, और ये अपनी कोशिश जारी रखे है। मैं मोहम्मद यासीन, लिमरा टाइम्स, थैंक यू। तो मैं शेयर कीजिए और अच्छे चैनल को।